केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दो किसानों को कुचल दिया जिनकी मौत भी हो गई, एक पत्रकार भी उसमें इसका भी निधन हो चुका है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उनको होम अरेस्ट कर दिया गया, जिसके कारण वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गया। इसको लेकर सभी समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन पत्र हम जैसा कि आज इको गार्डन लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए, फूल खिलाए हैं, क्या कारण? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल जो किसान भाइयों पे जो अपना एक अनुशासित दायरे में रह करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, इसी दौरान जो वहाँ के सांसद हैं और वर्तमान समय में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे द्वारा जो कृत्य किया गया, गाड़ी से उन किसान भाइयों को रौंद दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने उनके पक्ष में एक आवाज़ उठाई कि भाई उन्हें, उनके परिवार को एक न्याय दिलाया जाए, और इस को लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं वहाँ लखीमपुर खीरी जा करके मैं जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे और उनकी बात को या उनके जो हक को उन्हें मुआवजा देने की बात है और उन्हें के साथ जो अन्याय हुआ है उनको, उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था कि मैं वहां जा करके। लेकिन आज सुबह ही जिस तरह प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर से ही अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद यहाँ इको गार्डन लाया गया, लेकिन समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके निर्देशन अनुसार समाजवादी सारे प्रदेश के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और जब तक उन किसान जो पीड़ित किसान भाई हैं उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। लखीमपुर की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है, लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है और मांग उठाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो दोषी हैं अभी तक वो मौज काट रहे हैं। देखने की बात होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ कोर करती है कहती है कि माफियाओं ने प्रदेश छोड़ दिया, माफिया प्रदेश छोड़कर शायद बीजेपी की शरण में जा बैठे हैं, इसी कारण से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। सहयोगी गिरीश के साथ